हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम यहाँ पे हेक्सागन जो शेप आता है ये मिरर बनाएंगे। ये मिरर तो हमारा राउंड ही रहेगा, लेकिन हम जो डिज़ाइन बनाएंगे तो इसका शेप हेक्सागन हो जाएगा। ये यहाँ पे मैंने 6 डॉट किए हैं। आज मैं यहाँ पे शेडिंग 3D यूज़ कर रही हूँ, 6 के 6 तार यूज़ कर रही हूँ आज। तो इसको बनाना हम स्टार्ट करते हैं। धागे को टाइट करने के लिए हम नीचे से स्टार्ट करेंगे, साइड से मिरर को बाहर निकालेंगे ऐसे पॉइंट से। और ये नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे और छोटा सा स्टिच लेंगे राइट से लेफ्ट जाते हुए। धागे को ऐसे उठाएंगे, यहाँ पे क्रॉस बनेगा, ये पीछे रखना है। यहाँ पे एक स्टिच लेंगे, शेप आपने कभी नहीं ट्राई किया होगा, आप इसे जरूर ट्राई करिएगा। मेरे अलग जो दूसरे मिरर वर्क है, स्क्वायर मिरर, रेक्टेंगल मिरर, ट्रायंगल मिरर, उसको भी आप जरूर ट्राई करिएगा। वो वीडियो की लिंक मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सेंड कर रही हूँ। ये जो हमारी लाइन बनी है उसके अंदर से मिरर को पार्स करना है। ऐसे। और अब हम यहाँ पे स्टिच लेंगे। सेम रिपीट, ये साइड से हमें इधर धागे को लेके जाना है और राइट से लेफ्ट जाते हुए मिरर को बाहर निकालना है। तो हमें यही स्टिच करते करते यहाँ तक जाना है। तो ये अंदर का आप शेप देख रहे हो, हेक्सागन बन गया है।
आपको जितनी लाइन बनानी है उतनी बना सकते हो। अभी हमारी लास्ट स्टिच है, तो यहाँ से नीडल को नीचे लेके जाएंगे। डेकोरेटिव करने के लिए ये जो कॉर्नर बनाए यहाँ पे मैंने ये पांच शेप का ड्राइंग किया है, इसको भी हम फिलअप करेंगे। यहाँ पे मैंने थ्री स्ट्रैंड यूज किए हैं। तो ऐसे हम सारे कॉर्नर पे फिलअप करेंगे। तो ये रेडी है हमारा हेक्सागोन शेप का मिरर। आप देख सकते हो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है, आप इसे जरूर ट्राई करिएगा। और मेरे जो दूसरे वीडियोस है मिरर के वो भी आप जरूर ट्राई करिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें।